हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं बिंदास फर्स्ट क्लास चेक का। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज आज हम लोगों की M19 रॉयल पास का वीक 3 ओपन हुआ है, तो उसके अंदर यहाँ पे एक मिशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे 8वीं के अंदर आप लोग देखो, मिशन में आप लोगों को एक मिशन देखने को मिलेगा पिकअप एक्सटेंडेड पिक ड्रो मैग इन 16 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड में आप लोगों को 16 मैच के अंदर एक्सटेंडेड पिक ड्रो मैग पिकअप करना है और इसके आपको 75 RP पॉइंट मिलने वाले है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में रैंक के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जितने भी मैप देखने को मिलते हैं उसमें से आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो, या फिर अनरैंक में भी गाइज आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। बट ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग लिविक आफ्टर में नुसा या फिर इरंगल लगाना। तो चलिए यहाँ पे लिविक लगा के अब गेम को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। गाइज अगर आप लोगों को इस वीक का ऑल मिशन का वीडियो देखना हो तो जो हमारी सेकेंड चैनल है बैटल इज हियर, उस पर मैंने ऑल मिशन का वीडियो अपलोड कर दिया है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो चेकआउट कर लेना। गाइज यहाँ पे पबजी मोबाइल में आप लोगों को 3 टाइप के एक्सटेंडेड पिक ड्रो मैग मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे एक SMG का रहता है, एक यहाँ पे AR का रहता है और एक यहाँ पे स्नाइपर का रहता है। तो तीनों मैग आप लोगों को पड़े हुए मिल ही जाते हैं, और फिर भी नहीं मिलते तो आप सब जानते ही हो कि लिविक आफ्टर मेट नुशा के अंदर यहाँ पे शॉप का ऑप्शन मिलता है। तो शॉप के अंदर गाइज आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे तीनों टाइप के एक्सटेंडेड पिक ड्रो मैग मिल जाते हैं, जिसमें एक यहाँ पे AR का है, आप लोग अच्छे से देखो, सेकेंड नंबर पर यहाँ पे स्नाइपर का है और थर्ड नंबर पर यहाँ पे SMG का है। तो तीनों मैग को आप लोगों को यहाँ पे परचेस कर लेना है, जो कि 15 कॉइन से यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या है कि चलो एक बार तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैग बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। बट गाइज वैसे आप लोगों को यहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए मैग मिलते हैं और उसको आप लोग उठा लोगे तो मिशन काउंट हो जाएगा। बट अगर आप लोग यहाँ पे शॉप के अंदर से परचेस करोगे ना तो डायरेक्टली मिशन आपका काउंट नहीं होगा। जब भी आप लोग शॉप के अंदर से परचेस करते हो तो एक बार आप लोगों को बैकपैक के अंदर से बाहर निकाल देना है, फिर वापस आप लोगों को पिकअप करना है, तभी आप लोगों का मिशन काउंट होगा। अब गाइज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो वैसे तो यहाँ पे एक गेम में एक काउंट होना चाहिए, बट ग्लिच कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि अगर एक गेम में आप लोग तीनों टाइप के अलग अलग मैग उठाते हो तो आपके एक गेम में 3 काउंट हो जाएंगे। और ऐसे करते सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पे 6 मैच के अंदर इस मिशन को कम्प्लीट कर सकते हो। आई होप आप लोग मिशन को अच्छे से समझ गए होगे। चले गाइज वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।